हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट दिस इज़ बालाजी मदर। स्टूडेंट मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन इन केस ऑफ द प्लांट्स, किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। तो चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स नोन एज एपोमिक्सिस। प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। यानी कि आपको पता है यहाँ पर किसी तरह का गैमेट मिक्सिंग नहीं है, इसीलिए इसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एगैमोस्पर्मी है। क्या है? एगैमोस्पर्मी। वहाँ पर गैमेट प्रोडक्शन नहीं है, गैमेट प्रोडक्शन नहीं रहने की वजह से हम इसे एगैमोस्पर्मी कह सकते हैं। अभी एक्चुअली एगैमोस्पर्मी के बारे में हम और क्या बता सकते हैं? हमें पता है एगैमोस्पर्मी क्या है। तो एगैमोस्पर्मी एक प्रोसेस है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि ओव्यूल, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। एगैमोस्पर्मी मीन्स क्या? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल की मदद से यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। अभी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स एम्ब्रियो किस प्रकार डेवलप करता है, उसी प्रकार से हमें कुछ टाइप्स दिख रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहला है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जिसे कि डेवलपमेंट डिप्लॉइड न्यूक्लियस सेल से होती है। उसके बाद में दूसरा है रिकरेंट पॉली एम्ब्रियोनी, जिससे कि डेवलपमेंट डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से होती है। और उसके बाद में जो है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी एम्ब्रियो, दूसरा है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी एम्ब्रियो। अभी इसी तरह नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी एम्ब्रियो, इसी की डेवलपमेंट हैप्लॉयड और अनफर्टिलाइज्ड एग की मदद से होती है। तो चलो हम उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। स्टूडेंट, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में हमें डिस्कस करना है तो हमें पता है हम एगैमोस्पर्मी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसे हम एगैमोस्पर्मी कहते हैं। उसमें सबसे पहले और पहला जो टर्म है दैट इज द एडवेंटेटिव एगैमोस्पर्मी, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एगैमोस्पर्मी पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में हमें डिस्कस करना है। एक्चुअली एडवेंटेटिव एगैमोस्पर्मी पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? तो एक डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, यहाँ पर हम बता सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स। कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यूसेलस, ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस की डिप्लॉइड सेल है। न्यूसेलस के डिप्लॉइड सेल के हेल्प से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसे हम एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर बता सकते हैं, एग्जांपल सिट्रस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं रिकरेंट। क्या कहते हैं? रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। स्टूडेंट, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। रिकरेंट एगैमोस्पर्मी मीन्स क्या? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, यानी कि एमएमसी, ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड यानी कि 2N मेगास्पोर मदर सेल्स, MMC, 2N जो है यानी कि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल की मदद से जो डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है उसे हम रिकरेंट एम्ब्रियो कहते हैं। अभी इसी रिकरेंट एम्ब्रियो के बारे में जब हम एग्जांपल सोचेंगे तो हमें पता है एग्जांपल यहाँ पर हम एप्पल का ले सकते हैं, एप्पल एग्जांपल। उसके बाद हम चलते हैं नॉन रिकरेंट की तरफ। कहाँ चलते हैं? नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। चलो, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। स्टूडेंट,
बहुत ही आसान टर्म है, बहुत ही इजी है। नॉन रिकरेंट एग एमोस्पर्मी का मीनिंग क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग, कहाँ से हो रहा है? हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग की मदद से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग, दैट इज द नॉन रिकरेंट। अब इसी का एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल जीमायस। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इसके ऊपर, दतुरा भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस टॉपिक को एक अलग ढंग से देखने वाला है। जैसा हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग हम बता सकते हैं द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये डेफिनेशन हम बहुत दिनों से यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस कह सकते हैं, यानी कि विदाउट मिक्सिंग। उसके बाद में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एगैमोस्पर्मी भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैमेट्स नहीं है, गैमेट्स नहीं रहने की वजह से एगैमोस्पर्मी प्रोसेस है। लेकिन वहाँ पर जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पर तो गैमेट्स नहीं है, फिर भी एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं, तो किस तरह से हो रहे हैं? तो वहाँ एम्ब्रियो जो फॉर्म हो रहे हैं वो तीन अलग प्रकार से हो रहे हैं, जिसमें से पहला है उसे हम कहते हैं एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि एडवेंटेटिव एगैमोस्पर्मी पॉलीएम्ब्रियोनी भी उसे कहा जाता है। एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में हमें पता चलता है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड न्यूसेलस सेल। अभी यहाँ पर इंटेगुमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेगुमेंट्स से मदद से भी वहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल हमने देखा है सिट्रस। नेक्स्ट है रिकरेंट। रिकरेंट के बारे में भी हम सोच सकते हैं, रिकरेंट के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिले वाली है। रिकरेंट एम्ब्रियो जो है उसकी डेवलपमेंट डिप्लॉइड मदर सेल से होती है, और उसी का एग्जाम्पल एप्पल है जो हमने मार्फोलॉजी में अच्छी तरह से बताया था। ठीक है, उसके बाद जो नॉन रिकरेंट है उसी की डेवलपमेंट, जो नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग, उसी का एग्जाम्पल हमने लिया जीमायस। इसे हम पार्थेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं स्टूडेंट। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसी के बारे में हम बता सकते हैं। तो इसी प्रकार के हमने तीन टाइप्स यहाँ पर बता चुके हैं, तो चलो हम नेक्स्ट टाइप भी एक्सप्लेन करेंगे।